Hello friends, I am Dinesh Are and this is my YouTube channel and I hope you all are well. Today we will discuss about the poem Risk of class 10th RBSC, UK board, Uttarakhand board and UP board and any other state board. तो जिस किसी भी स्टेट बोर्ड का जो हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो जो भी हो स्टेट बोर्ड जो है वहाँ पर ये बुक जरूर चलती है. सभी स्टेट बोर्ड में यही बुक अवेलेबल है एनसीईआरटी की, जिसमें कि पहली पोएम हमारी है रिस्क, जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इस पोएम के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो हैं जेनेट रेंड. ये आप नोट डाउन कर लें. दूसरी बात हम अबाउट दी पोएम पहले पढ़ेंगे. रिस्क इज़ अ मोटिवेशनल पोएम. रिस्क एक प्रेरणादायक पोएम है. एवरी एक्ट टू बी डन बाई ह्यूमन बींग्स एंटिसिपेट्स रिस्क. जो भी कार्य मानव के द्वारा किया जाता है उसमें किस चीज़ की उम्मीद रहती है, एंटिसिपेट्स होता है संभावना होना या फिर उम्मीद होना, तो उसमें किस चीज़ की उम्मीद होती है, किस चीज़ की संभावना होती है, रिस्क की. और जितने भी वर्ड मैं बोलते जाऊँगा, जो मैं बोलूँगा, तो उनका आप मीनिंग लिखते जाइएगा. एंटिसिपेट होता है उम्मीद होना या संभावना होना किसी चीज़ की. तो जो भी कार्य मानव के द्वारा किया जाता है उसमें किस चीज़ की संभावना होती है, रिस्क की. होप में रिजल्ट इंटू डिस्पेयर एंड लाइफ इंटू डेथ. होप जो है, आशा जो है, हो सकता है उसका परिणाम क्या हो, वो निराशा में बदल जाए. डिस्पेयर होता है पूर्ण निराशा. डिस्पेयर क्या होता है फ्रेंड्स, पूर्ण निराशा. वो पूर्ण निराशा में बदल जाए, पूर्ण निराशा में परिवर्तित हो जाए. एंड लाइफ इंटू डेथ, और हो सकता है जीवन जो है वो मृत्यु में बदल जाए. रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. रिस्क जो है, जो जोखिम है, वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का. मतलब इंटीग्रल होता है अभिन्न अंग, ऐसा पार्ट जो कि अलग नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कहते हैं जिसे, कि अलग नहीं किया जा सकता. तो रिस्क क्या है, लाइफ का एक अविभाज्य पार्ट है, एक अविभाज्य हिस्सा है. नेक्स्ट, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क. लाइफ जो है पूरी तरह से किससे भरी हुई है, रिस्क से भरी हुई है, पूरी तरह जोखिमों से भरी हुई है. एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज. और इस पर विजय पाने के लिए, फियर पर मतलब कि इस डर पर जो है हमें फियर जो है, हमारा डर जो है, उस डर को भगाने के लिए, उस डर को दूर करने के लिए वन नीड्स करेज. तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है, करेज की आवश्यकता होती है, मतलब कि साहस की आवश्यकता होती है. सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क. जो भी चीज़ें हमें सक्सेस जो भी हमें मिलती है, जो खतरा है, वही क्या है, सफलता है. मतलब खतरा मोल लेना ही क्या है, साहस की सफलता है. मतलब कि जो खतरा लेने की जो घटना है, खतरा जब हम लेते हैं तभी हमें क्या है, सफलता मिलना तय है. यदि हम किसी चीज़ में रिस्क नहीं लेंगे तो हमें सफलता भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि रिस्क के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी. जो भी काम आपको करना है उसमें आपको साहस जुटाना पड़ेगा रिस्क लेने का. तो कोई भी काम आप करें तो उसमें रिस्क जरूर लें. नेक्स्ट, द पोइट गिव्स ए मैसेज. पोइट हमें एक मैसेज देता है, टू टेल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क, कि ह्यूमन बींग जो है मानव को रिस्क लेना चाहिए. इफ़ दे वॉन्ट टू, यदि वो चाहते हैं, वॉन्ट टू अचीव समथिंग, यदि वो कुछ भी चीज़ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा, उन्हें रिस्क लेना चाहिए. इफ यू डोंट टेक रिस्क, अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं, इफ यू डोंट टेक रिस्क, देयर इज ए चांस, तो यहाँ पर एक संभावना है, एक चांस है फॉर अवॉइडिंग सोरो. हो सकता है कि हम अपने दुखों को तो दूर कर दें, अवॉइड कर दें. अवॉइड का मतलब होता है दूर करना. तो हम, हो सकता है दुखों को तो दूर कर दें. एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ, और जो दर्द देने वाली, जो दुख देने वाली सिचुएशंस है, स्थितियां हैं लाइफ में, उन्हें हम दूर कर दें. बट वी विल बी मिसिंग, लेकिन हम बहुत कुछ ऐसा मिस कर देंगे, सो मच, बहुत कुछ ऐसा मिस कर देंगे जो कि हम पा सकते थे. हो सकता है आज आप जो हैं, अगर आपने रिस्क लिया होता थोड़ा और, तो आज आप जो हैं उस कंडीशन से आप थोड़ा और ऊपर होते, एक अच्छी बेटर कंडीशन पर आप होते. विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, और बिना रिस्क लिए वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, हम कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं. तो अब हम पोएम को पढ़ना चालू करेंगे स्टार्टिंग से. देखिए स्टार्टिंग से, रिस्क, रिस्क का मतलब होता है जोखिम लेना, जोखिम. और एक और वर्ड लिख लीजिएगा इसके लिए, हैजार्ड, HAZARD, हैजार्ड. अभी वैसे पोएम के बीच में भी आ जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो देखिए रिस्क को पढ़ना चालू करते हैं. टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल. जो हंसना है, हंसने में भी क्या है, रिस्क है. क्या होने का, कि लोग आपको क्या कह देंगे, फूल. टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल. अपियरिंग का मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई देना.
तो लाफ करने में, मतलब कि हंसने में, लाफ का मतलब हंसना, तो हंसने में भी किस चीज के दिखाई देने का या किस चीज के प्रतीत होने का खतरा है? फूल बनने का, मतलब कि मूर्ख बनने का खतरा है। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, और वीप करने में मतलब कि रोने में भी रिस्क है। क्या चीज होने का, क्या चीज अपियर होने का, क्या दिखने का, कि आप कहीं लोगों के द्वारा भावुक ना कहला दिए जाओ। सेंटिमेंटल होता है भावुक, तो आपको लोग जो हैं वो भावुक समझ लें, ऐसा खतरा होता है यदि आप रो देते हैं। तो हर चीज में रिस्क है। नेक्स्ट जो है, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट होता है मतलब किसी की सहायता करना, रीच आउट का मतलब लिख लीजिएगा, किसी की सहायता के लिए। टू रीच आउट, रीच आउट का मतलब होता है किसी की सहायता के लिए, रीच का मतलब यहां पहुंचने से नहीं है, तो रीच का मतलब होता है किसी की सहायता के लिए तैयार रहना। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, किसी की सहायता के लिए तैयार होने में भी रिस्क है इन्वॉल्वमेंट होने का, मतलब कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं, आपकी तो अच्छी सोच है लेकिन हो सकता है अगला व्यक्ति जो है वो किसी गलत कार्य में आपका उपयोग ले रहा है, वो किसी गलत कार्य में आपको साथ ले जा रहा है, तो हो सकता है आपका क्या हो उसमें, आप भी उसमें फंस जाओ, तो इस चीज का भी खतरा रहता है। तो रीच आउट का मतलब होता है किसी की सहायता के लिए तैयार रहना। तो यदि आप किसी की सहायता करते हैं तो उसमें भी भागीदार बनने का, इन्वॉल्वमेंट मतलब भागीदारी, उसमें भी क्या होता है, भागीदारी का खतरा होता है। तो खतरा तो हर चीज में है, रिस्क तो हर चीज में है, ये बात आप मानकर चलें। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर आप एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज मतलब दिखाना, प्रकट करना, क्या चीज, अपनी फीलिंग्स को, यदि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करते हैं तो इसमें भी रिस्क है। किस चीज का, एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि आप क्या है, मतलब कि आप अपनी सारी चीजें दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, आपके वास्तविक एवं सच्ची स्थिति जो है उसके प्रकट हो जाने का भी खतरा रहता है, कि आप जो रियलिटी में आप हैं वो सारी चीजें जो हैं दूसरे लोगों को पता लग जाएंगी, तो उस चीज का भी खतरा होता है। क्या, अपने आप को या अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने दिखाना भी बड़ा ही रिस्क है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। नाइव को लिख लीजिएगा, नाइव का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड, मतलब कि अनुभवहीन व्यक्ति। नाइव का मतलब क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति। अप्रेंटाइज भी आता है इसके लिए वर्ड, आपकी बुक में ही है वो भी। अप्रेंटाइज भी क्या होता है, नया नया व्यक्ति जो किसी काम को नया नया सीख रहा है वो। तो यहां पर पोएट क्या कहना चाहता है, देखिए, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क, मतलब कि एक भीड़ के सामने अपने आइडियाज, अपने विचार और अपने सपने रख देने में भी खतरा है। बींग कॉल्ड नाइव मतलब कि आप क्या कहला दिए जाओगे, आप अनुभवहीन कहला दिए जाओगे, इस चीज का खतरा है। लोग आपको अनुभवहीन समझेंगे कि यह व्यक्ति भोला भाला है, नाइव है, अनुभवहीन है, भोला भाला व्यक्ति है, जो कि सारी चीजें जो है लोगों के सामने रख देता है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बींग लव्ड इन रिटर्न। लव करने में भी रिस्क है, प्रेम करने में भी रिस्क है, कि आपको जो है दोबारा रिटर्न में प्यार ना मिले। हो सकता है आप किसी को लव करते हैं और रिटर्न में आपको वो लव ना करें, इस चीज का भी खतरा है लव करने में। टू लाइव इज टू रिस्क डाइंग, जिंदा रहने में भी मरने का खतरा मौजूद है, तो जीने के लिए भी क्या चाहिए, रिस्क चाहिए, मतलब कि रिस्क लेना होता है जीने के लिए भी। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में भी किस चीज का खतरा है, निराशा का, अभी मैंने आपको नीचे बताया था, डिस्पेयर मतलब पूर्ण निराशा, तो होप का मतलब होता है आशा, तो आशा में भी किस चीज का खतरा है, निराशा का। आप होप कर रहे हैं किसी चीज की और वो चीज जो है, वो होप जो है पूरी ना हो, तो आपकी आशा जो है किस में बदल जाएगी, पूर्ण निराशा में। टू ट्राई टू रिस्क फेलियर, ट्राई करना मतलब कि कोशिश करने में भी किस चीज का खतरा है, फेल होने का खतरा है, मतलब कि अगर आप किसी चीज के लिए ट्राई करते हैं तो हो सकता है आप फेल हो जाए, फेलियर कहलाएं आप, तो फेलियर कहलाने का भी रिस्क है, असफल व्यक्ति कहलाने का भी रिस्क है, कब, जब आप किसी चीज के लिए ट्राई करते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क जो है वो लिया जाना चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, क्योंकि जो सबसे बड़ा हैजार्ड है, जो सबसे बड़ा खतरा है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि हैजार्ड भी क्या होता है, रिस्क का ही सिनोनिम है, रिस्क का ही क्या है, सिमिलियर वर्ड है। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, जो लाइफ का सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि रिस्क ना लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज नथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है वह कुछ भी नहीं कर पाता है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है डज नथिंग, मतलब कि वह कुछ भी नहीं कर पाता है। हैज नथिंग, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। हैज नथिंग मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं होता है। और इज नथिंग, इज नथिंग मतलब कि वह कुछ भी नहीं होता है, इज नथिंग मतलब वह
कुछ भी नहीं होता है. जैसे हम बोलते हैं ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ कॉबलर, तो ऐसे कई चीजें हम बोलते हैं. तो ऐसे यहां पर यहां का सब्जेक्ट जो है वो पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिस्क नहीं लेता है, तो वह कुछ भी नहीं कर पाता है और उसके पास उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और वह कुछ भी नहीं बन पाता है या फिर वह कुछ भी नहीं होता है, अर्थात वह बिल्कुल जीरो होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है एंड बिकम्स नथिंग. और वह कुछ भी नहीं बन पाता है अपनी लाइफ में, वह बिल्कुल जीरो रहता है और क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता अपनी लाइफ में. तो इसीलिए आप सबसे भी मैं एक चीज कहूंगा यहां पर इस पोएट के थ्रू कि आप लोग भी क्या करें, रिस्क जरूर लें और पढ़ते रहें, मेरे वीडियोस को देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें. जितनी बार वीडियो देखेंगे उतना ज्यादा आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा, उतने ही आपको नए वर्ड्स मिलेंगे और नई चीजें मिलेंगी देखने को. नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट लाइन, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो. अगर जो व्यक्ति रिस्क लेने से जो है रिस्क को अवॉइड करते हैं या रिस्क को छोड़ते हैं, तो होता है कि हो सकता है कि वो थोड़े टाइम के लिए कष्ट हो गया अपने जो है सोरो मतलब कि कष्टों से या सफरिंग यानी कि दुखों से जो है पीड़ाओं से जो है वो दूर हो सकते हैं. दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, हो सकता है कि वो क्या कर दें, अवॉइड कर दें मतलब कि दूर कर दें अपने कष्टों को, पीड़ाओं को, दुखों को. बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो नहीं सीख सकते हैं. लर्न का मतलब याद करना ही नहीं, सीखना भी होता है, लेकिन वो नहीं सीख सकते हैं. क्या चीज नहीं सीख सकते हैं, वो बहुत सी चीजें नहीं सीख सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बदलाव नहीं कर सकते हैं, कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं मतलब कुछ फील नहीं कर सकते हैं और कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं ला सकते वो अपनी लाइफ में, वो ग्रो नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो विकसित नहीं हो सकते हैं, वे लव नहीं कर सकते हैं वो लोग. और वो लोग जो हैं सच्चे अर्थों में कहें तो वो जीवन ही नहीं जी सकते, मतलब कि उनका कोई जीवन है ही नहीं. ऐसे लोग जो कि रिस्क नहीं ले रहे हैं, हो सकता है वो थोड़े समय के लिए अपने कष्टों को, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उनसे दूर भाग सकते हैं यदि वह रिस्क नहीं लेते हैं तो. लेकिन वो अपनी लाइफ में, वो लोग अपनी लाइफ में ना तो कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, ना कुछ नया अनुभव कर सकते हैं, ना कुछ नया परिवर्तन ला सकते हैं, ना कुछ विकसित कर सकते हैं अपने आप को, ना ही लव कर सकते हैं और ना ही एक सच्चे अर्थ में कोई जीवन जी सकते हैं. चेंड बाय दियर सर्टिट्यूड, वो चेंड मतलब चेन से हो बंधा हुआ, वो बंधे हुए रहते हैं बाय दियर सर्टिट्यूड, उनके इस विश्वास से, निश्चितता का जो भाव है उनके अंदर बंधा हुआ है, मतलब कि भाव है भरोसे का कि दे आर स्लेव्स, वो अपने निश्चितता के भाव से बंधे हुए हैं, मतलब कि वो इन चीजों में विश्वास करते हैं कि जो चीजें उनके पास हैं वे उसी में खुश हैं, मतलब कि जो चीजें वो हो रही हैं वो चीजें उनके लिए सही हैं, वो कुछ भी नया नहीं करना चाहते हैं. क्योंकि कुछ भी चीज नई करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा रिस्क. तो वो अपने सर्टिट्यूड मतलब कि भरोसे के भाव से, अपने विश्वास के भाव से उन्हीं चीजों में जो उन्हें मिली हुई हैं वो उन्हीं में ही संतुष्ट हैं और उन्हीं चीजों को लेकर वो लाइफ टाइम चलते रहते हैं और कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं. दे आर स्लेव्स, और वो क्या है, वे गुलाम है. स्लेव्स मतलब गुलाम या दास, तो वे गुलाम है उन परिस्थितियों के. दे हैव फॉरफिटेड दियर फ्रीडम, फॉरफिटेड को लिख लीजिएगा खो देना, और उन्होंने खो दिया है दियर फ्रीडम, उनकी आजादी को. वो उसी चीज में चलते जा रहे हैं जिस चीज में वो हैं अभी, और वो कुछ भी नया नहीं करना चाहते हैं, कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने खो दिया है किसको, अपनी फ्रीडम को, अपनी आजादी को उन्होंने खो दिया है. ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, एक ऐसा व्यक्ति जो कि व्यक्ति कहलाने के लायक है, वो वह व्यक्ति है जो कि अपनी लाइफ में रिस्क लेता है या रिस्क लेने का साहस रखता है, वह व्यक्ति ही व्यक्ति कहलाने के लायक है. तो इस पूरी पोएम का सारांश ये है. इस पूरी पोएम का अगर मैं ब्रीफ में जिस्ट करूं, ब्रीफ में क्रक्स करूं, मतलब कि समराइज करूं, तो ये कहना चाहता है पोएट कि आपको लाइफ के हर मोड पर जो है रिस्क लेना चाहिए, और कोई भी नया काम अगर आप करेंगे तो बिना रिस्क के वो कंप्लीट नहीं हो सकता है. रिस्क तो हर काम में है, आप जी रहे हैं, आप सांसें ले रहे हैं, ये भी एक रिस्क है. हो सकता है अभी आपकी सांसें बंद हो जाएं, और अभी आप मेरा चैनल देख रहे हैं, ये भी एक रिस्क है. हो सकता है अचानक से आपका पूरा नेट खत्म हो जाए, तो ये तो हुई मजाक की बात. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें. आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा. और सबसे बड़ी बात, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, लगभग सभी चैप्टर्स का जो है कवरअप मैं कराऊंगा जितने ज़्यादा मुझसे हो पाएंगे. तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो मेरे चैप्टर्स भी जरूर पढ़ें ताकि रिवाइज आपका होता रहे.
और मैं कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाता रहूंगा, और हर एक वर्ड को यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। और कुछ भी अगर आपको पढ़ना हो या कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू आज का मेरा ये लेक्चर देखने के लिए, मुझे टॉलरेट करने के लिए इतनी देर तक। थैंक यू।